ये हमारे दिवाज को मार दे। नन्ही उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाया जिस बाप के हाथ ने, आज उस पे आरोप लग रहा था अपने ही औलाद के कत्ल का। क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा निकलने वाला था, उसी के हाथ अपने बच्चे के खून से लथपथ थे? और अगर आरोप लगाने वाली बच्चे की ही माँ हो तो आप इस परिस्थिति से हैरान नहीं हो जाएंगे? ये कैसा परिवार था कि आज माता पिता अपने ही मृत बच्चे के ऊपर ऐसे लड़ रहे थे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे? अपने बच्चे के चले जाने के बाद ये कैसा माहौल था जब एक माँ अपने बच्चे के कत्ल के लिए उसके बाप को दोषी ठहरा रही थी, और क्यों? हेमा, मेरी चेकबुक कहाँ पर है? चेकबुक? वो तो मेरी अलमारी में है। अभी देख। Excuse me. मेरी चेकबुक तुम्हारी अलमारी में क्या कर रही है? कल इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा था मैंने, चेक पे साइन करके। तुमने मेरे चेकबुक पर मेरा ही साइन करके इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया है? हाँ, बीवी हूँ मैं आपकी, इतना हक नहीं है क्या मुझे? भगवान बचाए ऐसी बीवी से, तुम मेरे चेकबुक पर मेरा साइन करके कैसे सबमिट कर सकती हो? इट्स अ कंप्लीट फ्रॉड, तुम्हें इतना नहीं पता? रामबाण चालू हो गया। तुम्हें कुछ बोलो भी नहीं, बेवकूफिया तुम करो, तुम्हें कुछ समझाओ भी नहीं। कैसी औरत हो तुम? क्या सुन रही हो? वो लगता है मेम साहब ने फिर से कोई बेवकूफी करी है। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि साहब मेम साहब की बातें ऐसे कान लगा के मत सुना करो, अगले जन्म में ना तुम छिपकली बनोगी। तू ना अपने काम से मतलब रख, समझा? फ्रॉड किया है तुमने, पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ के ले जाएगी, समझ गई तुम? पुलिस मुझे ले जाएगी, प्लीज। साहब वो लैपटॉप बैग लेना है। अच्छा बाबा बस करो, लेकिन आइंदा याद रखना किसी और के चेक पर साइन नहीं करोगी तुम, समझी? हाँ। समझी कि नहीं? साहब आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, आप जाइए, मैं समझा दूंगी। ठीक है। क्या ये? या तो फुटबॉल या फिर लैपटॉप, पढ़ाई कब करेगा तू? दिवांश, दिवांश बोलने से काम नहीं चलेगा, अपने समझाओ अपने लाडले को। अगर ये फेल हुआ ना तो इसके सारे गेम और लैपटॉप बाहर उड़ा कर फेंक दूंगा। को इंसान इंस्टाई अपनी तरह बना कर रख दिया। बिल्कुल साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बाबा को समझा दूंगी। हाँ ठीक है। क्या हुआ? इतनी भी जल्दी क्या थी? मैं आ रहा था ना। जल्दी किस बात की? छोड़ मुझे।
देखो मैं सब समझती हूँ, सुबह नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती करते हो और रात को जब अपना मतलब होता है तुम मीठे बनते हो। हेमा हेमा सुनो सुनो, सुबह सुबह पहले ही इतने टेंशन होते, ऊपर से तुम छोटी छोटी बेवकूफियां करने लगती हो, बस और कुछ नहीं, सब बातें जाने दो। सुनो देखो मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाना, छोड़ो मुझे। हेमा 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 लिसन, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो। फिर किसके नजदीक जाऊं मैं बताओ? उसी के जो तुम्हारा ये व्यवहार सहन कर सके। तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? देखो मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम सुबह को लेकर गुस्सा हो ना, सुनो सुनो, सुबह जो कुछ हुआ ना उसे प्लीज भूल जाओ। तुम मेरी रानी हो, रानी। हाँ सुबह नौकरानी रात को रानी, छोड़ो मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे नींद आ रही। कितनी इरिटेटिंग हो तुम, तुम्हें पता है? इतनी रात को किसका फोन है? क्या कर रही हो? वो मेम साहब घर पर पानी नहीं आ रहा था तो सोचा कि खाना बनाने से पहले यहीं पर नहा लूं। साहब को बाहर जाना है, अपनी साड़ी उठाकर दूसरे कमरे में पहनो और उनके लिए नाश्ता बनाओ। डरा ही दिया था। मम्मा तुम डरती बहुत हो। अच्छा आप पापा से इतना प्यार करते हो तो फिर उनके साथ लड़ते क्यों रहते हो? मैं नहीं लड़ती उनसे, वो लड़ते रहते हैं मुझसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद ही नहीं करते। अच्छा मम्मा बस हाँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, सब समझता हूँ मैं। बहुत बड़ा हो गया तू, क्या समझता है? मम्मा कल रात को आप इधर ही सोए थे ना? मैं नहीं, है क्यों सोऊंगी, मैं तो अपने कमरे में सोई थी। क्यों क्या हुआ? हेमा हेमा, लो हो गए तुम्हारे पापा फिर से शुरू। ये वीना कंबक ने ना इन्हें नाश्ता भी नहीं दिया होगा ढंग से, मैं ही देखती हूँ जाकर, ये बच्चे ही हैं। Mm-hmm.
खाना बहुत टेस्टी है वीना, पता है क्यों? तुम जो इतने प्यार से बनाती हो तो स्वाद तो हो नहीं है। तुमने मुझे और इस घर को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। क्या चल रहा है? वीना मुझे देर हो रही है, मेरा खाना पैक करके ड्राइवर को दे देना। वो दीपक भाई मेरे खाने की तारीफ कर रहे थे। दीपक भाई? फिर से शुरू कर दी तुमने अपनी बेवकूफियां। बेवकूफ तो मैं हूँ, समझदार तो सिर्फ ये है ना, इसे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। वे सुबह मेरा दिमाग खराब करना बंद करो प्लीज। माँ तो तुमने मेरा खराब किया हुआ है, मुझे बेवकूफ बनाकर। मुझे क्या पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? इधर आओ जल्दी। आज के बाद तुम इस घर में काम नहीं करोगी। वीना इसी घर में काम करेगी, इसने मेरा और इस घर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा हुआ, समझ गई तुम? हाँ, वो तो दिख ही रहा है। ये तो रोज का ड्रामा है। ड्राइवर हो ना तुम, तो ड्राइवर बन के रहो, बाहर जाके वेट करो अभी। पापा आप हर वक्त मम्मी के साथ लड़ते क्यों रहते हैं? दर्जी की बेवकूफ है तुम्हारी मम्मी। Stop it, please. और जब देखो आप इन नौकरों के सामने मम्मी को बेवकूफ बेवकूफ कहते रहते हो। खुद तो थी ऐसी, इसे भी तैयार कर दिया मुझसे भिड़ने के लिए। तुम क्यों रो रही हो बिना? चुप हो जाओ प्लीज। पापा मैं बच्चा नहीं रहा, सब कुछ समझता हूँ मैं। और एक बात का ध्यान रखना पापा, मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि आपकी वजह से मेरी मम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मम्मी। मुझे तो लगता है मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वीना तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। लेकिन रात को घर जाते जाते इतना लेट हो जाता है, आपको तो सब कुछ पता ही है। एक काम करो, तुम आज से आउट हाउस में रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं तो अपने कमरे में सोई थी। वीना इसी घर में काम करेगी, इसने मेरा और इस घर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा हुआ, समझ गई तुम? पापा कहाँ चले गए? और एक बात का ध्यान रखना पापा, मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि आपकी वजह से मेरी मम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
रुको एक मिनट। क्या करने गया था वहां पर? पापा मैं वो वाईफाई का सिग्नल चेक करने गया था। गधा समझ रखा है मुझे? तेरा मोबाइल तेरे रूम में चार्ज में लगा हुआ है और तुझे अच्छी तरह पता है आउट हाउस में वाईफाई का सिग्नल नहीं मिलता, फिर भी चेक करने गया था। तो ये सवाल मैं आपको भी पूछ सकता हूँ कि आप वहां पर क्या करने आए थे? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि वीना को देखने गया था? हा? अरे मुझे तो पता भी नहीं कि वीना वहां पर रहने लगी है। और हाँ, अगर मैं उसे देखने भी गया था तो आपकी क्या लगती है वो? गला दबा दूंगा तेरा, समझ गया तू? साथ अपनी पोलनी खोलूं मैं। रुके जा रहे तू? इतना बड़ा हो गया अपने बाप से जबान लड़ाते, आंखें दिखाता उसे? बाप ऐसा होना तो आंखें दिखानी पड़ती है। जान ले लूंगा तेरी, समझ गया तू? ये क्या चल रहा है बाप बेटे के बीच में? बोलो। कुछ नहीं मम्मा, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था और पापा को लगा मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा हूँ, बस डांटने लगे। वो भी ऐसे? मेरे बेटे को तो बख्श दो, अगर इसकी किस्मत में फेल होना लिखा है तो फेल हो जाने दो। चलिए देर हो गई है, सो जाइए। तुम चलो, मैं आता हूँ। एक्चुअली कल सुबह मुझे कोटा जाना है किशोर के घर, तो सूटकेस पैक करो। जल्दी आइए। आज तो आप बच गए पापा, लेकिन अगर आप नहीं सुधरे ना तो मैं मम्मी को सब कुछ बता दूंगा। एक पिता अपने बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो होता है, और एक बेटे के लिए पिता के सम्मान से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? पर क्या हो जब एक बेटा अपने पिता के साथ ही इस तरीके का बर्ताव करने लगे, उसके आत्मसम्मान को इस तरह से अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे, उस पर किसी गैर औरत से रिश्ते का आरोप लगाए। पिता होने के नाते ऐसे हालात में दीपक ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो शायद आम था, वो अपनी जगह पर सही था। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इससे दोनों के बीच का कन्फ्यूजन दूर होगा? क्या देवांश का आरोप बेबुनियाद था, या जो दिख रहा था उसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी? ऐसे मत उलझा कर अपने पापा के साथ। मुझे तो बता ऐसे क्या बात हुई है जो तेरे पापा इतना भड़क गए? अरे मम्मी वो नील साहब, आज वो साहब का टिफिन तैयार करना है। साहब एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं और मैं भी अपनी दीदी के घर जा रही हूँ। बस देवांश घर में रहे और मैं राहुल के यहाँ पे रहने चले जाऊंगा। खाने वाने की जरूरत नहीं है, भूख लगी तो पिज्जा विज्जा मंगा के खा लूंगा। ठीक है फिर, तेरे भी एक हफ्ते की छुट्टी, जब साहब आएंगे तुझे बुलवा लेंगे। तू जा, ये बैग लेके जा। एक तो ये तेरे पापा की इतनी मुंह चढ़ी है ना। वीना पीछे से घर का ख्याल रखना। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वीना को मैंने एक हफ्ते की छुट्टी दे दी है और देवांश राहुल के घर जाएगा पढ़ने। राम सिंह एक काम करो, तुम भी एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो। मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। ठीक है साहब, तो फिर मैं टैक्सी बुलाता हूँ। पर तो कोई नहीं है, तो फिर आउट हाउस में कौन है?
हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। क्या हो गया दिवांश को? मार डाला। क्या कर तुमने हमारे दिवांश को मार डाला? क्यों मारा तुमने हमारे बेटे को? बकवास कर रही हो ये, मतलब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तो दिवांश को मारूंगा। मार डाला तुमने हमारे दिवांश। झूठ बोली ये। तुमने मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा मेरे बेटे को? मार डाला तुमने? क्यों मारा दिवांश को? मार डाला। झूठ मत बोलना करोड़िया। अरे मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब? मैं तुम सच कह रहा हूं। उस दिन मैं खोटा कहा था, अपने दोस्त किशोर से मिलने। जैसे ही मुझे दिवांश के बारे में पता चला, मैं तुरंत यहां पर आ गया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए। पूछा? तेरी बीवी से भी पूछा? तेरी बीवी ने तेरे कोटा के घर के फ्रेंड का एड्रेस और फोन नंबर दिया। उसके बीवी को फोन करने के बाद उसे पूछा तो उसे तुम्हारे कोटा आने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसका मतलब है तू कोटा गया ही नहीं, यहीं पे था अपने बेटे देवांश को मारने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ये सच है कि मैं उसके घर नहीं गया था, लेकिन बस जितना पूछा जाए उतना बोलना। कोर्ट जाने से पहले सच सच बोल दे। शायद आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर ये आपकी है? नहीं, ये वीना की है। इंस्पेक्टर साहब मेरा वीना से क्या लेना देना? तुम्हारी बीवी ने बयान दिया है, तुम्हारे और तुम्हारी नौकरानी में गए संबंध थे। तुम दोनों आउट हाउस में छुप छुप के मिला करते थे। मैं तो इस आउट हाउस में आती भी नहीं थी। वीना ही कुछ दिनों से ये बाथरूम भी यूज कर रही थी या नहाती भी थी, और पिछले कई दिनों से यहाँ रहने भी लग गई थी। क्यों? क्योंकि दीपक ने उसे इजाजत दी थी। देवांश ने उन दोनों को एक साथ देखा भी था और उसने दीपक को धमकी दी थी कि अगर मेरी माँ को जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो, और अपनी हवस के लिए दीपक ने मेरे बेटे को मार डाला। नहीं मैडम, मेरा दीपक भाई से कोई लेना देना नहीं है। दीपक भाई तो मेरे भाई समान है। मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। दीपक सेठ हमेशा मीम साहब को वीना के सामने डांटा करते थे, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, और तो और साहब वो सब काम वीना को बोलते थे। मालकिन को तो बेवकूफ समझते थे साहब। क्यों साहब? मुझे क्या पता साहब, मैं तो ड्राइवर हूँ। पर हाँ साहब, बार बार ऐसा लगता था जैसे हमारी मालकिन हमारी मेम साहब ना हो, वो वीना हो साहब। मुझे लगता है वीना हमसे कुछ छिपा रही है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इस आउट हाउस में कुछ तो हो रहा था जो देवांश ने देखा था। और इसीलिए देवांश का गला दबाकर किसी ने उसे मार दिया और इस आउट हाउस में उसकी लाश मिली। मतलब दीपक और वीना के बीच कुछ हो रहा था जिसे देवांश ने देख लिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी। Maybe. सर अब दोनों लॉकअप में हैं, जो होना है यही होगा। क्या कर रहे हो राम सिंह? छोड़ो मुझे। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति अपने ही बेटे के कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे है। दिवांश तो मेरा बेटा था ना, उसे मरे तो अभी कुछ ही दिन हुए। देखो हेमा,
जो कुछ भी हुआ है वो हमारी रजामंदी से हुआ है, और तुम ही नहीं चाहती थी ना कि देवांश जिंदा रहे। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्लीज ये घबराना बंद करो। देखो पुलिस को शक हो जाएगा। इस वक्त ये सब ठीक है, तुम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है? इससे पुलिस को भी शक नहीं होगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ होता है क्या? क्या हेमा ने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने बच्चे का कत्ल करने से बेहतर है कि वो अपनी गलती मान ले? हेमा अपने पति को धोखा देकर ही गलत नहीं कर रही थी, बल्कि ये गलती हेमा को उस हद तक ले गई कि वो एक कातिल बन गई। हेमा ने सिर्फ अपने पति का भरोसा ही नहीं तोड़ा, अपने बच्चे का खून ही नहीं किया, बल्कि उसने तो पूरा परिवार ही तबाह कर दिया। हेमा की इस हरकत और गुनाह की जितनी निंदा करें वो कम, और राम सिंह जैसे विश्वासघाती को क्या कहें? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। शायद उन परिवारों का यही दुखदायक अंजाम होता है जो घर में काम करने वाले लोगों को हद से ज्यादा हक देते हैं। छोटे साहब, मेरा नाम किशोर सांगवान है, मैं दीपक का दोस्त हूँ। बेटियों, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, ये दीपक के जमानत के पेपर। आप उस मुजरिम को छुड़ाना चाहते हैं जो झूठ बोलकर आपका नाम लेकर घर से निकला है ये बोल के कि कोटा जा रहा है। दरअसल वो कोटा गया ही नहीं, उसका इरादा अपने बेटे का कत्ल करने का था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, दीपक कोटा ही आया था, लेकिन मेरे घर नहीं आया, बल्कि वो एक होटल में ठहरा था, और इस बात की खबर मेरी बीवी को नहीं। दरअसल उस रात दीपक और मैं होटल के कमरे में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, तो पुलिस वाले का फोन दीपक को आया कि उसके बेटे का किसी ने मर्डर कर दिया। मैंने फौरन दीपक को जाने के लिए कहा वहां से, ताकि मैं होटल का बिल चुका के आ सकूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद में मुझे पता चला कि पुलिस वालों ने दीपक को उसके अपने बेटे के ही खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, तो मैं वकील साहब के आने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही आए तो सर मैं इनको लेके आ गया। और ये सर, ये होटल के कुछ बिल है और दीपक का आईडी वगैरह। मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि आपकी वजह से मेरी मम्मी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मुझे देवांश का मोबाइल देखना होगा, शायद उससे कोई सुराग मिल जाए। क्या थी हाँ? इंतजार किया हो तो मेरा हमारा था ना मैं हाँ? छोड़ो मुझे, मुझे लग रही है मैं जेल में था तो पीछे से अयाशा करोगी, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, दीपक ने पहले दिवांश को मार दिया और अब मुझ पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए। मेरा अफेयर है राम सिंह के साथ, पर ये बताने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। देख, तूने पहले दिवांश को मारा और अब मुझ पर जानलेवा हमला किया, और खुद को बचाने के लिए मैंने तुझे मार डाला। आप चिंता मत कीजिए, सांसें चल रही है। I'm sorry, Papa. I'm sending you this video. दिवांश का मैसेज। ये क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? तुमने अपने ड्राइवर के साथ मिलके प्लान तो अच्छा बनाया था। अपनी अय्याशी के लिए अपने ही बेटे को मार दिया। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं था देवांश तुम्हारा वीडियो बना रहा था। उस वक्त हाथापाई के दौरान देवांश के हाथ से मोबाइल गिर गया, टूट गया। मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा करो बेटा, मां जो तुम अब छोड़ो, कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं पापा को गलत समझता था, लेकिन आप ऐसी निकली। उसने मुझे उसी वक्त वीडियो भेज दिया था, क्योंकि आउट हाउस में नेटवर्क नहीं आता इसलिए मुझे वीडियो नहीं मिला। तो जब मैंने उसका मोबाइल स्विच ऑन किया तो देवांश का मोबाइल नेटवर्क में आ गया। उसके सारे पेंडिंग मैसेजेस दीपक के मोबाइल पर पहुंच गए। मैंने पहले ही बोला था गरोडिया से
झूठ मत बोलना। लेके जाओ। नजदीक के फायदे से पहले हमेशा दूर का नुकसान सोच लेना चाहिए। हेमा ने अपने ड्राइवर से अवैध रिश्ता बनाया और उसका अंजाम आखिरकार उसे सलाखों के पीछे ले गया। कोई भी रिश्ता भरोसे की नींव पर ही कायम किया जाता है और मजबूत भी होता है। पति पत्नी के बीच इस भरोसे की गुंजाइश और बढ़ जाती है क्योंकि उनसे परिवार बनता है। उन दोनों के बीच का विश्वास ही परिवार को आबाद करता है या बर्बाद। इसलिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले रुक कर सोचिए जरूर, ताकि भरोसा ना टूटे, ताकि परिवार ना छूटे, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।